प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उनका आहार। वे जो कुछ भी पौष्टिक खाती है उसका असर सीधे पेट के अंदर शिशु को भी होता है। समर के सीजन में आम सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला फ्रूट है, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या गर्भवती महिला को आम खाना चाहिए या नहीं। तो आपकी सारी कंफ्यूजन को दूर करते हुए बता दें कि आम गर्भवती महिलाओं के लिए काफी फायदेमंद होता है। आम एक सीजनल फ्रूट है जिसमें आयरन, विटामिन सी, ए और B6 के साथ पोटेशियम और फॉलिक एसिड भी पाया जाता है, जो गर्भावस्था के दौरान हर महिला के लिए बहुत जरूरी होते हैं। लेकिन आम खाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें कि अगर प्रेग्नेंट महिला को शुगर की प्रॉब्लम है तो वे आम जितना कम खाएं उतना अच्छा है। इसके अलावा मार्केट से आम खरीदते समय उन्हें सावधानी से चुनें, हमेशा ऑर्गेनिक आम ही खरीदें, क्योंकि केमिकल से पकाए हुए आम बच्चे के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर आम में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी होता है, जो कि एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। यह बीमारियों के खतरे को कम करता है, साथ ही स्किन के लिए भी लाभकारी होता है। आम में इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम आदि भी काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व फ्लूइड बैलेंस करने में भी काफ़ी मदद करते हैं, इसलिए गर्भावस्था में आम खाना लाभकारी होता है। आम में पर्याप्त मात्रा में फाइबर भी होता है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काफ़ी अच्छा होता है। आम खाने से कब्ज जैसी समस्या नहीं होती, इसलिए गर्भावस्था में आम जरूर खाना चाहिए। आम विटामिन सी और आयरन से भरपूर होता है, जो एक गर्भवती माँ को गर्भावस्था से संबंधित एनीमिया पर काबू पाने में मदद करता है। गर्भावस्था के दौरान बेबी के विकास के लिए भी आम खाना बहुत फायदेमंद होता है। आम में विटामिन ए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कि बच्चे के दांतों और हड्डियों का विकास करने में मदद करता है। यह आँखों और इम्यून सिस्टम को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ बच्चे के हार्ट, फेफड़े और किडनियों को भी सुरक्षा प्रदान करता है। आम में ढेर सारी मात्रा में फॉलिक एसिड होता है, जो कि भ्रूण के विकास के लिए ज़रूरी है। इससे दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड का भी विकास अच्छे से होता है। सो फ्रेंड्स, यदि ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।